मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर। आज ट्वेल्थ क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट बस नाम ही काफ़ी है, सभी पार्टनरशिप का ये बेसिक है। यानी कि यदि इस चैप्टर को हम अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आगे के चैप्टर गुडविल, चेंज इन रेशियो, पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट, पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप डिल्यूशन सारे समझ में आएंगे। यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या और अच्छी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ है पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या 20 व्यक्ति आपस में व्यवसाय करते हैं, वैध कारोबार करते हैं, लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जब बैंकिंग कंपनी होगा तो उसमें अधिक से अधिक 50 लोग भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का होगा पार्टनरशिप डीड। साझेदारी करने से पहले साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन कितना पूंजी लाएगा, किसकी क्या रेशी होगी, किसकी ड्यूटीज क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, सैलरी कितना होगा, कमीशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इन सारी बातों का उल्लेख रहता है एग्रीमेंट में। जनरल भाषा में हम इसे एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन हम पार्टनरशिप की भाषा में बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख। तो ये होना जरूरी है। अगर ये रहता है तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट, मतभेद उत्पन्न नहीं होगा। यानी लोगों के बीच साझेदारी में किसी भी प्रकार की दरार नहीं आएगी। अब अगली टॉपिक है विदाउट डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन। अगर बाय द वे साझेदारों के बीच कोई तरह का डीड नहीं रहा, एग्रीमेंट नहीं रहा, तो निश्चित ही निश्चित उन लोगों के बीच मतभेद होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपसी प्रेम व्यवहार के कारण दो फ्रेंड, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए कि दो फ्रेंड आपसी प्रेम के कारण आपस में व्यवसाय करते हैं और एग्रीमेंट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि दोस्ती में क्या एग्रीमेंट करना है। ऐसे करने पर बाद में मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं मतभेद हो गया। मान लिया जाए कि दो पार्टनर हैं, नंबर एक ए और दूसरा बी। ए ने लगाया व्यवसाय में 5 लाख और बी ने लगाया 1 लाख। 5 लाख ए और बी ने लगाया 1 लाख। दोनों ने मिलकर व्यवसाय किया, 1 वर्ष के बाद प्रॉफिट मालूम चला कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट की बंटवारे की बारी आती है तो बी कहता है कि आधा आधा बांट लिया जाए, यानी 2 लाख को बांट दिया जाए, 1-1 लाख हम लोग पार्टनर हैं। तो ऐसे में ए का क्लेम आएगा कि हमने 5 लाख लगाया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। 5 हिस्सा प्रॉफिट ए लेगा जबकि बी लेगा 1 हिस्सा प्रॉफिट, ऐसा बी ए का कहना है। ए कहता है कि हम 5 लाख लगाए हैं तो हम 5 हिस्सा प्रॉफिट लेंगे और तुम 1 लाख लगाए हो तो तुमको 1 हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी हालत में मतभेद उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे क्या लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप प्रोविजन। इंडियन पार्टनरशिप प्रोविजन कहता है यदि आपने डीड नहीं बनाया है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। अब देखिए कितनी बड़ी लॉस हो गई। यदि आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो ए को तो ज़बरदस्त लॉस हो गया, 5 लाख रुपया लगाकर वो 1 लाख कमाया, और बी का कितना बढ़िया है, वो 2 लाख रुपया लगाकर 1 लाख कमा लिया। इसलिए ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप करने से पहले एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन लागू होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हो, यानी आपने एग्रीमेंट नहीं किया, तो ऐसी हालत में उस जगह पे फॉलो हो जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविज़न।
उसके बाद हम बात करते हैं अगला पार्टनर कैपिटल, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों के लाभ, सैलरी, कमीशन के बाद साझेदार को लास्ट कितना अमाउंट मिलता है या साझेदार को कितना पे करना पड़ता है, साझेदार का नेट बैलेंस जानने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है पार्टनरशिप करेंट, जब साझेदारों की पूंजी फिक्स हो, क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि साझेदार की पूंजी फिक्स है तो उसमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, सिर्फ पार्टनर कैपिटल बनेगा। तो पार्टनर कैपिटल बनेगा और पार्टनर करेंट बनेगा, लेकिन पार्टनर कैपिटल और करेंट एक साथ कब बनेगा, जब क्वेश्चन में कहे कि पार्टनर कैपिटल जो है वो फिक्स है। अगर फिक्स नहीं कहता है तो आप पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, फिक्स कहता है तो पार्टनर कैपिटल और करेंट दोनों बनाएंगे। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिसिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता, यह क्यों बनाते हैं, वर्ष के अंत में जब प्रॉफिट होता है, दो या तीन या जो जितने भी साझेदार हैं साझेदारों में बांटी जाती है अनुपात में, कुछ साझेदार को सैलरी मिलती है, कुछ को कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो प्रॉफिट होने के बाद यदि जितनी प्रॉफिट हो जाए उसमें से कुछ सैलरी देना पड़ता है, कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो ऐसा करने पर लाभ की मात्रा घट जाएगी। तो जब लाभ की मात्रा घट जाएगी तो उसी लाभ में से सभी को बांटना होगा। तो यही जानने के लिए कि आखिर प्रॉफिट में से कितना बांटा गया, किसको दिया गया, तो लाभ की मात्रा घटने के बाद जो लाभ आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि संस्था में 1,00,000 का लाभ होता है, उसमें से मालूम चला कि 50,000 रुपया सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बांट दिया गया, तो ऐसी हालत में क्या होगा, मान लिया जाए कि 50,000 बांटने में खर्च हो गया, तो अब बचा 50,000। तो जो भी पार्टनर मौजूद होंगे तो 50,000 में अपने रेशियो पर बांट लेंगे, अगर रेशियो बुक में दिया रहे तो, यदि रेशियो ना दिया रहे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार सभी साझेदार आपस में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर करेंगे। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिया, अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, वीडियोज को अच्छी तरह देख लेते हो, तो फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। ये चैप्टर विशेष ध्यान देने लायक है, ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कॉमर्स की, CA, CS, ICWA या जहाँ भी हम देखें तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक MBA, BBA में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, अगर इस चैप्टर में बने रहें तो आगे का चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिल्यूशन, गुडविल, चेंज इन रेशियो, ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल कॉमर्स के सेंटर आरा को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हाँ, यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन देना हो, तो आप हमें कमेंट करें, कॉल कर लें, और कॉमर्स की पढ़ाई को एकदम बहुत अच्छा करने की कोशिश करना है। लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, हमारी पढ़ाई हमेशा की तरह सुपीरियर हो, बल्कि और अच्छा हो, क्योंकि विद्यार्थी का बहुत सारा समय अभी न स्कूल जाना, न कॉलेज जाना, न ट्यूशन जाना, तो इस तरीके से उनका समय बच रहा है, तो समय का बहुत अच्छा यूटिलाइज करके रिजल्ट उससे भी अच्छा दिखाना होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।